एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। लड़ रहे हैं और इस बार कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और जनता का विश्वास समाजवादियों के साथ। बीजेपी से लोग निराश हैं, जिस तरीके से वादा खिलाफी बीजेपी के लोगों ने की है, रोजगार को लेके की है, महंगाई को लेके की है, किसानों की आमदनी को लेके की है, जिस तरह से पुलिस भर्ती के अंदर पेपर लीक करा के परीक्षाएं रद्द करके नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अग्निवीर की योजना के माध्यम से जो हमारे सैनिकों के स्वाभिमान को गिराया जा रहा है, तमाम तरीके की मुद्दे हैं जो मुद्दों पर जनता इस बार बीजेपी को हटाई। सांसद जी, एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से लगातार टिकट बदली है समाजवादी पार्टी ने, विपक्ष ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार हमला बोला है कि अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं दे पा रही है, इसलिए बदल रही है बार बार प्रत्याशी। बीजेपी के लोगों को मैं इतना ही राय दूंगा कि कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोचा करें, सोचते नहीं। ये मध्य प्रदेश में, मतलब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किन लोगों को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था और विधानमंडल की बैठक में कौन मुख्यमंत्री बन के निकला, क्या आप में से कोई जानता था क्या? ये पार्टी की आंतरिक रणनीति है। आरडी चाचा जी का नाम अनाउंस हुआ था, उसके अगले दिन भी मैं आप सबके बीच में था और मैं चाचा जी का अपील करके गया था। दोबारा जब मैं सम्मेलन में नाम आया, उस समय तक आदित्य का नाम चर्चा में आ चुका था, आप सबने सवाल किया, तो मैंने ही कहा था इस बात को कि आदित्य लड़ेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी, कहीं ना कहीं बड़े होने का एक एहसास होगा और छोटे भाई की मदद करने का एक मौका मिलेगा। ये बात मैंने पिछले दौरे में आपके बीच कही थी और इसी बात को आज उससे दोहरा था। मुझे खुशी है कि आदित्य के तौर पर बदायूं को एक युवा सांसद मिलेंगे, और सांसद ही नहीं मिलेंगे बल्कि जितने काम कर सकते थे हम समाजवादी सरकार में किए और जो काम बीजेपी के लोगों ने बर्बाद किए वो भी आदित्य बेहतर करेंगे, और आदित्य को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम लोग सहयोग भी करेंगे, जो अपना पुराना अनुभव है वो भी शेयर करेंगे, और बदायूं की जनता को एक बेहतर सांसद और बेहतर क्षेत्र बनाने में बदायूं का जो हमारा संकल्प रहा है, सपना रहा है, वो आप सब जानते हो। बदायूं का मेडिकल कॉलेज हो, जिले की एक भी ऐसी सड़क नहीं जिसका चौड़ीकरण न करा दिया हो, जिले में ऐसा कोई बड़ा गंभीर समस्या आज नहीं बची है। आप ही लोग कहते थे यहीं पर ओवरब्रिज का सवाल था, तमाम तरीके के सवाल थे, चाहे गंगा की कटान का सवाल था, आपकी बाढ़ का सवाल था, हर सवाल पर, चाहे गंगा जी के ऊपर फूलों का सवाल रहा, रामगंगा के फूलों का सवाल रहा हो, आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ मैंने अपने 10 साल के संसदीय कार्यकाल में जनता के जितने वादे किए थे बड़ी जिम्मेदारी से कई मंचों पर कहा हूँ, आज आप सभी पूरे जिले की मीडिया मौजूद है, एक बिलसी के बस अड्डे को छोड़ के जिसमें जमीन की एक समस्या आई, उसके अलावा कोई जिले में एक वादा बता दो जो मैंने कहा हो पूरा न किया हो, ऐसी राजनीति हम समाजवादी लोग करते हैं, जनता के बीच जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बीजेपी के लोग हजारों चीज़ें बता दें, आज मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी और उनकी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार हर साल की गारंटी, कहाँ गई डीजल और पेट्रोल के दाम को घटाने की गारंटी, कहाँ गई देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले बीजेपी के लोगों ने रेल भेज दिया, तेल भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिए, हवाई अड्डे भेज दिए, बंदरगाह भेज दिए, तमाम संचार कंपनियाँ भेज दी, बीमा कंपनी भेज रहे, बैंकें बेच रहे हैं, तो आज बीजेपी के लोग बताएं इस बात को, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से कहते थे मैं भ्रष्टाचार नहीं फैलने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिन कंपनियों के घाटे की बैलेंस शीट बनी हुई है उन कंपनियों से सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए बीजेपी के लोग ले रहे हैं, बताओ किसने खाया है इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से, और ये इलेक्ट्रो बॉन्ड तो बहुत मामूली बात है, ये तो रिकॉर्डेड चीज़ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में ये चीज़ें आप हमारे सबके बीच आ पाई हैं, सार्वजनिक हुई हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत छोटी घटना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा भी कितना बीजेपी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है शायद हम और आप सोच भी सकते। भ्रष्टाचारियों को हटाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, उसको लेके जाते हैं बड़ा हमला, भ्रष्टाचारियों को पहले, सबसे पहले जिन भ्रष्टाचारियों ने पैसे दिए हैं उनकी पार्टी को, मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करें। बीजेपी के घोषणा पत्र किस तरीके से, जिस तरीके बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, टिकट परिवार ही क्यों बदायूं? अब ये बदायूं की जनता का प्यार है, मोहब्बत है, सदे नेताजी ऐसा रिश्ता बना के गए हैं, उस रिश्ते को बदायूं के लोग क्या छोड़ेंगे? जनता के बीच कभी सवाल करो जाए। सर घोषणा पत्र के बारे में बताएं, बीजेपी का घोषणा पत्र जिस तरीके जारी किया किस तरीके? बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, और मैं हवा में ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी से और पूरे तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। बीजेपी नया घोषणा पत्र पेश करने से पहले 14 के घोषणा पत्र, 17 के घोषणा पत्र, 19 और 22 के घोषणा पत्र को बताए कितना पूरा किया है, तब नए घोषणा पत्र की बात करें। सांसद जी, एक सवाल सिर्फ था, जिस तरीके से हर पार्टी ने गठबंधन में है, हर पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अगर सरकार बनती है
या फिर इंडिया गठबंधन की, तो फिर आप इसको किस तरीके से लागू करेंगे? देखिए, जिन पार्टियों का इंडिया गठबंधन का अलायंस है, बहुत देश की बड़ी बड़ी पार्टियाँ, देश की बड़ी जिम्मेदार पार्टियाँ, इन बातों में ना आप उलझिए ना उलझाने की कोशिश करिए। सभी दल मिलके एक बेहतर सरकार चलाएंगे, जिस सरकार की परिकल्पना होगी कि अग्निवीर जैसी जो नौजवानों को मनोबल गिराने वाली योजना है उसको ख़त्म करेंगे। जो अभी तक हमारी पुरानी पेंशन का सवाल है, जिस पर मैं समझता हूँ अभी तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं था, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है उसको करेंगे। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है और समाजवादी पार्टी ने कई दलों का घोषणा पत्र है कि हम लोग जाति जनगणना 2025 तक लागू कराएंगे, 2029 तक पूरी की पूरी गरीबी खत्म करेंगे, पूरी की पूरी बेरोजगारी खत्म करेंगे। इस तमाम सवालों पर समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से अरविंद सेठी जी ने आप सबके बीच अपनी बात को रखा है, और मुझे यकीन है इसी घोषणा पत्र पर भरोसा करके पूरे देश की जनता बीजेपी को हटाएगी, इंडिया को लाएगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।